हेलो पीपल, दिस इज शौरत इसान, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने अपने चैनल पे एक्शन कैमरा से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, जिससे मुझसे पूछा जाता है कि बेस्ट एक्शन कैमरा, बजट एक्शन कैमरा कौन सा है, जो कि आपको परचेज करने के बाद कोई इश्यू नहीं हो और आप उसे ईजिली यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बेस्ट एक्शन कैमरा कौन सा है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और ये बजट कैमरा भी है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ SJ6 लीजेंड की, जो मुझे सबसे बेस्ट बजट एक्शन कैमरा लगा। इसका जो प्राइस है ये काफ़ी कम है, मतलब कि 10,000 के रेंज में आपको ये कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसका जो फीचर है, इसका जो क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। मेरा एक ब्लॉग का चैनल भी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और उस चैनल पर जितने भी आपको वीडियो देखने को मिलते हैं, जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, उसमें जो मैं अपलोड करता हूँ, आपको सारे वीडियोज इस कैमरे से ही, एक्शन कैमरा से ही शूट किया होता है। तो ये कैमरा मुझे काफ़ी पसंद है, और इसमें आपको बहुत सारे इंटरफेस में बहुत सारे सेटिंग्स दी गई है, प्रीसेट्स दी गई है, जिसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लस इसमें आपको जो 1080p पे है 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और क्वालिटी जो है सो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका रेजोल्यूशन जो इसका है, जियो रेजोल्यूशन, वो भी काफ़ी अच्छा है। इवन आप हाथ से लेकर बाइक वगैरह से भी चलते हैं, और रोड ख़राब भी है, फिर भी अगर इस कैमरा को माउंट कर लेते हैं अपने हेलमेट पे, तो वो काफ़ी आपको अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल माइक भी कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे जो केसिंग में जो डाल रखा है, तो मैं इसमें केस से इसे निकाल लेता हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जो बजट कोई भी एक्शन कैमरा होता है, उसमें माइक का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको माइक भी लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे माइक का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं माइक को। लेकिन इसमें मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या लगा कि यहाँ पे जो माइक लगाने का ऑप्शन दिया गया है, माइक का ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इस केसिंग दी गई है, अगर आप गोप्रो वगैरह यूज करते हैं, तो इसमें माइक लगाने के लिए केसिंग में भी ऑप्शन दिया गया था, होल किया होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसमें केसिंग दी गई है, इसमें आपको माइक लगाने का ऑप्शन नहीं है। मीन्स कि अगर आपको माइक यूज करना है, एक्सटर्नल माइक यूज करना है, हालांकि इसमें ऑनबोर्ड भी माइक दिया गया है, लेकिन अगर आपको जो एक्सटर्नल माइक है उसे यूज करना है, तो आपको उसके लिए केस को निकालना पड़ेगा, और केस को निकालने के बाद माउंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऊपर से कवर दिया गया है, जिसमें आप कैमरे में फंसा के और आप इसे माउंट कर सकते हैं, अपने हेलमेट पे या अपने कार में कहीं भी माउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसे यूज करते हैं इस माउंट के साथ, तो आप यूज नहीं कर पाएंगे एक्सटर्नल माइक को, या चार्ज नहीं कर पाएंगे। इवन अगर कार पे आप यूज करते हैं, कार में, तो आप डैश कैम के रूप में यूज करना चाहते हैं इसको, वहाँ पे भी आपको चार्ज में लगाने के लिए इस जो केस है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप इसे कट कर सकते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको कट कर लेते हैं, या आप अमेज़न पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ पे आपको केस मिल जाएगा 1100-1200 के आसपास में, या मतलब डिपेंड करता है कि प्राइस वैरी करता रहता है, कभी कभी इसका प्राइस 2200 के अप्रॉक्स भी जाता है, लेकिन अभी जो मैंने प्राइस देखा है इसका 1100-1200 के अप्रॉक्स रहता है, तो आप एक एक्स्ट्रा केस लेके उसे कट कर सकते हैं। हालांकि आप इस केस को भी यूज कर सकते हैं, इससे भी, इसमें मतलब होल दिया गया है, इसमें आप आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने कैमरा की सेफ्टी चाहिए, तो आपको एक केस अलग से परचेज करना पड़ेगा, जो 1100-1200 का होगा। माइक का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, अगर इस माइक को कनेक्ट कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स दिए गए हैं, आप इसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगी स्टोरेशन के मुकाबले में, तो यहाँ पे आपको 1080 पिक्सल्स पे आप रिकॉर्ड करते हैं, और 60 फ्रेम पर सेकंड पे लगा देते हैं। मेरे जितने भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो 60 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप उसे यूज करके स्टोरेशन को ऑन कर लेते हैं, तो आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कैमरा को, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इस कैमरा को, हालांकि गोप्रो जो है, गोप्रो का कोई भी सीरीज हो गया, हीरो 4 भी अगर आप देख लेते हैं, तो इससे क्वालिटी उसकी अच्छी ही मिलेगी आपको वहाँ पे। लेकिन अगर बजट की बात करें, तो 10,000 के रेंज में आपको कोई भी कैमरा इससे बेहतर नहीं मिल सकता है। यहाँ पे आपको फ्रंट डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, बैक डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको वाईफाई भी देखने को मिल जाता है, आप इसके वाईफाई रिमोट यूज करके खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन भी आता है, जो मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू कमांड दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि टोटली फीचर से लैस है, और प्राइस काफ़ी कम है। 10,000 रुपये अगर एक्शन कैमरा के लिए बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। बैटरी की अगर बात करें, तो बैटरी इसका अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं, तो बैटरी आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अप्रॉक्स, अगर 1080 पिक्सल्स पे 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको बैटरी बैकअप उतना आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आप कार में यूज करते हैं, तो उसको डायरेक्ट चार्ज में लगा के आप इसे कार मोड में कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात क्या है कि अगर कार मोड में आप लगा देते हैं उसको, तो जैसे ही आपकी कार रुक जाएगी, तो इसका जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाता है, और कार जैसे ही आपकी चलेगी मूव, मतलब कि अगर कोई कार मूव कर रही है, देन ये कैमरा रिकॉर्ड करेगी आपके फुटेज को, और कार रुक जाती है तो आपके फुटेज को कैमरा रिकॉर्ड नहीं करेगी। उसके बाद अगर आप इसमें 32 GB तक, 128 GB तक मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 32 GB का मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो देखा है, मैं 32 GB का मेमोरी कार्ड ही यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे बैकअप जो मिलता है, कहने का मतलब कितना टाइम रिकॉर्ड होता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 3.5 घंटा का अप्रॉक्स रिकॉर्ड हो जाता है 32 GB में। तो आप डिपेंड करता है कि आप कितना GB का कार्ड इसमें यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम है वो एक्सपेंड हो जाएगा रिकॉर्डिंग का। और मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा। सैंपल के लिए इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो हालांकि ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसका रिव्यू मैंने फुल रिव्यू
हालांकि नहीं किया था, जो मैंने बहुत जल्दी करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये कैमरा बहुत ही अच्छा लगा और इसका जो मैंने शूट किया है, जो भी मैं शूट करता हूँ, मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बजट कैमरा, एक्शन कैमरा की अगर बात करें, किसी भी पर्पज़ से आपका हो, ये कैमरा ही है और आप इस कैमरा को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चूंकि बहुत ज़्यादा क्वारी आई थी कि आपके लिए ब्लॉगिंग के लिए या ट्रैवल ब्लॉग के लिए या किसी भी तरह के एक्शन शूट के लिए कौन सा कैमरा बेहतर है, तो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा कैमरा बेहतर है, मुझे कौन सा वीडियो बनाने में पसंद आता है, कैमरा बजट कैमरा में कौन सा बेहतर है, मेरे पास कौन यूज़ करता हूँ, मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। और अभी तक आपने मैं चाहूँगा सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय।